फ्रेंड्स हमारा रूट ऑफ रॉक जेड बॉन्साई है ये, जो कि इस पॉट में से निकाल दिया गया है और इस बॉन्साई ट्रे में डाल दिया गया है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं और आप लोग हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर द वन पेज। सो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने जो जेड प्लांट है जो रूट ऑफ रॉक स्टाइल बॉन्साई में है, तो आज हम इसकी रॉक निकालने वाले हैं और इसको नई रॉक देने वाले हैं। काफ़ी बड़ी रॉक है दोस्तों, कंपेयर कराऊंगा मैं दोनों रॉक साथ में रख के और फिर हम इस पॉट में डालने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बॉन्साई पॉट है जो चीनी मिट्टी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे जेड प्लांट को निकालने की बारी आ गई दोस्तों। तो हमने इसको बड़े से पॉट के बेस पे रखा है ताकि ज़्यादा मिट्टी स्प्रेड ना हो और सारी मिट्टी रीयूज़ हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, हम मिट्टी रीयूज़ करेंगे जेड प्लांट की, क्योंकि इसमें अभी भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारा बाकी है। तो चलिए अब इसको निकाल देते हैं। सो हमारा जेड प्लांट पॉट से तो निकल चुका है दोस्तों और इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है। अब एक एक रूट्स को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छे से चट्टान को झकड़ दिया है इसने। सो फ्रेंड्स, हम एक बार फ्री कर देते हैं। नहीं दोस्तों, एक काम करते हैं, आपके सामने निकालते हैं सारा, आपको भी तो पता पड़े किस तरह करना है। सो फ्रेंड्स, हमने दो रॉक मिलाकर सेट प्लांट को लगाया था, जो किस तरह से निकल रही है। सो फ्रेंड्स, हमारी दोनों रॉक सेपरेट हो चुकी है और आप देखिए किस तरह इसकी रूट्स नीचे की तरफ से काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। तो हम इसके नीचे बड़ी सी चट्टान रख देंगे। एक बार हम रूट्स को सेपरेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको भी और मुझे भी, जैसे ही ये न्यू चट्टान इसके नीचे लगती है। एक बार लगा के देखते हैं। ये हमारी न्यू चट्टान है और फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगेगी इसको लगाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉट के साथ थोड़ा सॉइल वर्क कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा सॉइल मिक्सचर रहेगा जिसमें कोकोपीट यूज़ होगा, सैंड यूज़ होगी और सैंड एंड सॉइल का मिक्सचर यूज़ होगा। ओके दोस्तों, तो सॉइल मिक्सचर में आपको सॉइल का ध्यान रखना है कि सॉइल का कंटेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है कोकोपीट और सैंड से। तो सॉइल का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपका जेड प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। अगर आपके जेड प्लांट पे पत्तियाँ नहीं आती हैं और वो हल्का फुल्का सिर्फ ब्रांचेस दिखती है तो वो ख़त्म हो जाएगी अगर सॉइल का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबको मिक्स करते हैं और सॉइल मिक्सचर बना देते हैं। सॉइल मिक्सर रेडी हो चुका है दोस्तों, तो कृपया करके हम इसको साइड में रखते हैं और फटाफट से काम करते हुए हमारा पॉट सामने लेकर आते हैं और पॉट के ऊपर दिखा देते हैं हम आपको। ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ा लंबा पॉट है तो दो ड्रेनेज होल हैं। तो चलिए अब इसमें सॉइल मिक्सर डाल देते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम होगा हमारा ड्रेनेज होल को कवर करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने जो ये सैंड ली है एक्स्ट्रा सैंड, इसको बेस पर स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, रूट ओवर रॉक बॉन्साई स्टाइल में हमेशा जेड प्लांट के अंदर ये ध्यान रखना है आपको कि बेस पर हमेशा सॉइल होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि रूट्स के नीचे भी, रॉक के नीचे भी रूट्स जाती है दोस्तों और हमें रॉक की हाइट थोड़ी सी ऊपर लेनी है इसलिए। तो ये तो हमने बेस इस्टेब्लिश कर दिया है सॉइल के साथ काफ़ी अच्छा। तो अब आ जाता है हमारा प्लांट, अब लगा देते हैं रॉक के साथ। तो इस
स्टार्ट करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया दोस्तों कि इस तरह से इस रॉक को रखना है यहाँ पर, और हमारा ये जो जेड नीचे से काफी अच्छा फ्लैट हो चुका है, आप यहाँ पर देखें फ्लैट हो चुका है। तो इस तरह से हमारी रूट्स रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको दोस्तों ताकि रॉक और रूट्स का रेशियो इक्वली दिखे। तो जहाँ तक हमारा रॉक का सवाल है, इसको थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा गुड लुक के लिए। हमने रॉक को कुछ 2 या 3 इंच ऊपर ले लिया है दोस्तों, मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ एक बार। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। आप देख लें चारों तरफ से रॉक अच्छे से विजिबल है और रूट्स का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो चलिए अब सारी सॉइल भर देते हैं, वो काम मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो सारी सॉइल भर के मैं आपको दिखाता हूँ कितना आसान था दोस्तों रूट ऑफ रॉक जेड प्लांट बॉन्स ही बनाना। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी बनाइए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और हमें बताइए कि आपने किस तरह काम किया है। सो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से क्लोज लुक देख लेते हैं। अब इसको पानी किस तरह देना है दोस्तों, हम उस पर बात करेंगे। तो आपको एक ट्रे चाहिए होगी बड़ी सी, उसमें आप पॉट रखिए और उस ट्रे को आप वाटर से भरिए, तो वाटर नीचे से ऊपर तक जाएगा, हम दिखा देते हैं आपको। बेस से वाटर देने की टेक्निक फ्रेंड्स ये इसलिए है ताकि हमने जो रूट्स सेट करी है और जो सॉइल सेट करी है वो एकदम से हिले ना। आप चाहें तो ऊपर से वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऊपर से पर हल्का सा ही देना है ताकि हमने जो सॉइल सेट करी है, जो रूट सेट करी है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। फ्रेंड्स, ये हाफ एन आवर में सारा जो वाटर हमने डाला है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।